अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? फिट फाट हैं? बम्बार्ड हैं? यार, वीडियो के आगाज़ में सबसे तो पहले मैंने आज आपका शुक्रिया अदा करना है। बिग बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, और ख़ासतौर पर जब से मैंने डोनेशंस वाली वीडियोस बनाना शुरू की हैं उस पे आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। पहले भी कर रहे थे लेकिन इन वीडियोस पे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, इसलिए मैंने सोचा वीडियो का आगाज़ शुक्रिया के साथ किया जाए आप लोगों का। तो यार, आज की वीडियो में हमने करना ये है कि एक ऐसा बंदा ढूंढना है हमने जो बहुत ज़्यादा नीडी हो, मुस्तहिक हो और खुददार हो, यानी कि मांगता ना हो किसी से। ऐसे बंदे की आज हमें तलाश है। गाड़ी पे हम निकलेंगे क्योंकि मुझे नहीं पता कहाँ तक हमें जाना पड़े। गर्मी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे दोस्त कमेंट्स में मुझे कह रहे थे कि भाई आप बाइक पे जाते हैं, कोशिश किया करें गाड़ी पे निकला करें। लेकिन यार, मैं बाइक पे इसलिए जाता हूँ क्योंकि जिन लोगों के पास मैं जाता हूँ वो बेचारे बहुत गरीब होते हैं। अगर मैं गाड़ी पे जाऊँ तो एक अजीब सी फीलिंग हो सकता है उनके दिल में हो कि इनके पास गाड़ी और हमारे पास साइकिल भी नहीं। तो यही वजह है कि मैं कोशिश करता हूँ बाइक पर ही जाऊँ ताकि उन लोगों के दिल में कोई ऐसी वैसी बात ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हम एक विलेज एरिया में पहुंच चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर हमें कोई ऐसा नीडी पर्सन मिल जाएगा जिसके लिए हम घर से निकले हैं और उसकी हेल्प हमने करनी है। ज़रा डिफरेंट स्टाइल में आज हमने हेल्प करनी है, उसको सरप्राइज़ देना है। सरप्राइज़ कैसे देना है ये आपको आगे चल के पता चलेगा। यार, ये एक अंकल जी है, हमें मेरे ख्याल में पापड़ी छोले भेज रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है? क्या बेच रहे हैं? खिचड़ी बनानी है। क्या क्या बेच रहे हैं? मैं बेच रहा हूँ पापड़ी छोले। पापड़ी छोले? ऊंचा ऊंचा सुनते हैं क्या? लोरा भी हूँ। ओए यार, ये अंकल जी ऊंचा सुनते हैं। क्या नाम क्या है आपका? यही काम है। मैंने कहा नाम क्या है आपका? नाम अलिया मुसाफर। बाबा बाबा बोला। बाबा भोला। बाबा भोला है जी, ये पापड़ी छोले भेज रहे हैं। यार बाबा जी, हाँ जी, ये बताओ कि कितनी कमाई रोजाना कर लेते हो? बस ये 500-600 रुपए बचा लेते हैं। अच्छा, कितने की है ये प्लेट? एक 50 की। 50 की? पर मसला ये है कि मैं जो पर्स है ना वो घर भूल आया हूँ। अच्छा, तो उधार खिला सकते? भूख बहुत लगी हुई है मुझे। अच्छा, ठीक है, खिला देंगे। ठीक है, आपका तो नुकसान हो जाएगा, कोई बात नहीं। यार ये देख ले, उधार खिला रहे हैं, मुझे पैसे है नहीं मेरे पास। यार आपका नुकसान तो नहीं हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या बात। यार हर बंदा इन्हीं की तरह होना चाहिए भाई। आज के दौर में कौन किसी अजनबी को कोई खाना खिलाता है? तो यार ये मैंने इनसे पापड़ी छोले लिए हैं दोस्तों। असल में ये सुनते हैं थोड़ा ऊंचा, और मैंने इनको बोला कि यार पैसे हैं नहीं मेरे पास, उधार खिला दें, तो उन्होंने उधार खिला दिया मुझे। और इसके बदले में मैं इनको एक सरप्राइज़ दूंगा जो कि गाड़ी में मौजूद है। अभी हम ज़रा इनका पापड़ी छोले खाते हैं, फिर इनको सरप्राइज देते हैं, इनका रिएक्शन देखते हैं कैसा होता है। बहुत आला है यार, मजे की है ये तो। यार पापड़ी छोले तो मैंने खा लिए, बहुत मजे के थे। यार बाबा साबिर, बहुत मजे की पापड़ी थी। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि मैंने आपको पैसे नहीं दिए, आप गरीब बंदे हो यार, दिहाड़ीदार हो, मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको ना मैं एक कोई सरप्राइज देता हूँ। ठीक है, सरप्राइज आइए जरा, आप आगे आइए हमारे साथ, सरप्राइज देते हैं आपको। ये
इधर लगाए, इधर लगाए लाला। आपने उधार पापड़ी खिलाई है मुझे, तो हम भी कुछ ना कुछ आपको देंगे। इधर आए, इधर आए, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये बटन जो है ना, हाँ जी, इसको जोर से दबाना है। दबाओ, दबा के रखो। हाँ, इसको खोले, इसको खोले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ओके, ओके, गुजारा हो जाएगा। इधर देखा बाबा साहब, गुजारा हो जाएगा इंशाल्लाह। ये आपका ही है, रखें इसको अपनी रेडी पे, जहाँ पे दिल करे उठा के ले जाए। इसमें इसमें थोड़ी सी सब्जी है, आलू है, बैंगन है, प्याज टमाटर है, चावल है, चीनी है, थोड़ा नाश्ते का सामान है, डबल रोटी वगैरह है, रस्क है, ठीक है, बच्चों का जूस वूस बना लेना इससे, और आटा भी है, घी है, चाय की पत्ती। चाय पीते हैं ना, चाय पीते हो ना, ओके, तो इससे चाय पीना, और ये सिवैया है, मीठी मीठी सिवैया खाना मजे से, ठीक है। नमक है, मसाले सारा कुछ है। शापर है, इसमें डाल दो आप। परेशान रहता हूँ, महंगाई में क्या करें। तो आपकी मेहरबानी, आपको भी थोड़ी सहूलत हो जाएगी, है ना। बहुत मेहरबानी है। यानी कोई मेहरबानी नहीं है हमारी, ये हमारा फर्ज बनता है जी, आप जैसे खुददार लोगों की खिदमत करना, मदद करना, ये हमारी जिम्मेदारी। आप अच्छे आदमी हैं, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन गरीबों का ख्याल करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत ख्याल करना चाहिए। सलामत रहें, बस आप सलामत रहें। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और अच्छे से व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।